गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका ज्योग्राफी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं या इंग्लिश में कहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको तीन पार्ट पढ़ाए थे। और कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था रासायनिक संयोग के नियम, पांच नियम होते हैं, पांचों नियम मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज आप उसके आगे से पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट फोर है और उसी के आगे का टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी पहली हेडिंग शुरू होती है एवोगैड्रो नियम। एवोगैड्रो नियम, ठीक है ना। देखिए क्या होता है एवोगैड्रो नियम। इस नियम के अनुसार डैश लगाया, छोड़ दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना, समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर, ठीक है ना, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान, क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आई बात समझ में, ताप और दाब की परिस्थितियां जब समान होंगी तो समान आयतन लिए जाए गैसों के तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी, ठीक है ना। इसी के साथ आपका ये नियम कंप्लीट होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इसके आगे आप देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए आपकी अगली हेडिंग है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना आपके और समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर, देखिए डाल्टन जो थे उन्होंने रासायनिक संयोग के पांच नियम हमने आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, तो रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने परमाणु के संबंध में, यानी परमाणु क्या है कैसा है इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, ठीक है ना। कौन से विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों के अनुसार जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, इसके अनुसार। अब क्या है इनके विचार, नंबर एक देखते हैं। इन्होंने बताया नंबर एक पर कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन्होंने पहली बात कही डाल्टन ने कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है, चाहे वो कोई भी हवा, पानी, लकड़ी, मेज, कुर्सी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, कोई भी एवरीबडी द्रव्य जिसको बोलते हैं ना, कुछ भी चीज है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, यानी बहुत छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो उन्हें क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। आसन में नंबर दो पर देखिए क्या है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। नंबर दो है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता। यानी इन्होंने बताया परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि परमाणु अविनाशी है। अविनाशी अर्थात ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही उसे हम क्या नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दो बातें हो गई, समझ में आ गया। नंबर तीन पर देखते हैं। नंबर तीन पर उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है ना। अर्थात इनका कहने का मतलब यह था कि परमाणु को हम विभाजित भी नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे हम तोड़ भी नहीं सकते, इसलिए इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। नंबर चार पर इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान व गुणों में समान। क्या बात है, इन्होंने एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान व गुणों में समान होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 1H1, 1H2, 1H3। यहां पर तीन परमाणु हैं, एक प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तीन परमाणु हैं, लेकिन तत्व तीनों का हाइड्रोजन 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 है। तो इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान व गुणों में समान है। ठीक है ना, नंबर पांच पर इन्होंने क्या कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार द्रव्यमान व गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी इन्होंने पांचवी बात कही कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार द्रव्यमान और गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है ना, ये तत्व क्या हो गए, भिन्न भिन्न तत्व हो गए। तो इन्होंने बताया कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं उनके आकार, उनके द्रव्यमान और उनके गुण जो होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं, समान नहीं हो सकते। ठीक है ना, आया समझे। नंबर छह पर उन्होंने क्या बात कही देखते हैं कि नंबर छह पर कहा परमाणु परस्पर मिलकर, परमाणु परस्पर मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। ठीक है ना, यानी परमाणु आपस में परस्पर मिलकर के यौगिक परमाणु बनाते हैं। इनका कहने का मतलब था कि जैसे H प्लस H दो परमाणु मिले तो H2 बना, ये एक यौगिक योग यानी जुड़कर बना, इसलिए यौगिक परमाणु हुआ। इसी तरह H प्लस Cl ले लिया तो HCl बन गया, तो ये जो बनकर तैयार हुआ इसे इन्होंने क्या नाम दिया, यौगिक परमाणु। क्या नाम दिया, यौगिक परमाणु। आई बात समझ में, ये थे डाल्टन के परमाणु के संबंध में विचार। ठीक है ना, ये थे डाल्टन के परमाणु के संबंध में विचार और ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसे आप नोट कर लीजिए, आपकी 11th क्लास की तैयारी के लिए बढ़िया टॉपिक है। ठीक है ना, आगे चलते हैं डाल्टन सिद्धांत की कमियों का। ये था डाल्टन सिद्धांत, इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपके पास नोट्स बन सके। डाल्टन सिद्धांत की कमियां, डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया उसमें कुछ कमियां थी, क्या कमियां थी वो अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। नंबर एक, डाल्टन के अनुसार इन्होंने एक बात कही थी कि परमाणु अविभाज्य, डाल्टन के अनुसार परमाणु
अविभाज्य है, ठीक है ना। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है परंतु परमाणु को इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। डाल्टन के अनुसार क्या था कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। ये थी डाल्टन की पहली कमी। नंबर दो पर दूसरी कमी क्या थी? डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान व गुणों में समान होते हैं, परंतु समस्थानिक की खोज के बाद यह गलत सिद्ध हुआ। समस्थानिक की खोज, डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं, लेकिन समस्थानिक की खोज के बाद यह गलत सिद्ध हुआ। जैसे कि 1H1, 1H2 एंड 1H3, यहां पर आप देखेंगे तो परमाणु एक ही है, तीनों में हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक एक एक है, लेकिन परमाणु भार एक है, दो है, तीन है, तो इनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो जाता है, जिससे कि डाल्टन की ये बात कि सभी परमाणु आकार द्रव्यमान में समान होते गलत सिद्ध होती है, ठीक है ना। अब आपका आता है नंबर तीन। नंबर तीन पर आप देखेंगे इन्होंने कहा था डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न परमाणुओं के आकार द्रव्यमान भिन्न भिन्न परमाणु आकार द्रव्यमान व गुणों में भिन्न भिन्न होती, परंतु संभारी की खोज के बाद यह गलत सिद्ध हो, ठीक है ना। डाल्टन ने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार व द्रव्यमान गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु जब संभारिक की खोज हो गई तो यह भी गलत सिद्ध हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 18 आर्गन 40 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। यहां पर ये तीनों तत्व तो भिन्न भिन्न हैं, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है ना, सबके क्रमांक अलग हैं, लेकिन भार तीनों के समान है, जबकि इनके अनुसार भार क्या होने चाहिए थे, भिन्न भिन्न होने चाहिए थे, लेकिन तीनों के भार समान है, अर्थात संभारिक की खोज के बाद इनकी ये बात भी गलत सिद्ध, ठीक है ना। नंबर चार की कमी है कि इन्होंने कहा था कि परमाणु परस्पर मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं,
डाल्टन का कहना था कि परमाणु, सभी परमाणु परस्पर मिलकर के यौगिक परमाणु बनाते हैं, परंतु परमाणु परस्पर मिलकर अणु बनाते, यानी कि H प्लस H अगर बना H2 तो ये यौगिक परमाणु ना कह करके अणु कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? अणु कहेंगे, अणु बनते हैं। क्लियर हुई बात? तो परमाणु परस्पर मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, ये बात भी इनकी गलत सिद्ध हुई। क्या कहा गया कि परमाणु जो है परस्पर मिलकर यौगिक परमाणु नहीं बल्कि अणु बनाते हैं। ठीक है ना? क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। इस प्रकार से ये डाल्टन सिद्धांत की कमियां थी। ठीक है ना? क्या थी? डाल्टन सिद्धांत की कमियां। अगली डेफिनेशन डाल्टन सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मॉडल हो चुका, उसकी कमियां हो चुकी। इसके बाद छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। आपकी हेडिंग है परमाणु, क्या होता है परमाणु, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग, वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा, एक बार और दोहरा ले मेरे साथ कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन है, सिल्वर है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, पीटीसी, सारे परमाणु ही होते हैं। ठीक है ना? आगे आप चलते हैं तो आ जाता है परमाणु भार। अगली हेडिंग है आपकी परमाणु भार। ठीक है ना? क्या है? परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि वह हाइड्रोजन की एक भाग से कितने गुना भारी है, परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह हाइड्रोजन के एक भाग से कितने गुना भारी है, उसका परमाणु भार कहलाता है। आया सुनिए? आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे के वीडियो आपको कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।